फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सेकेंड लेक्चर. इन दिस वीडियो डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल पिक्चर रेजोनेंस इन बेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टर हैकल्स रूल. हम लोग सबसे पहले ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में पढ़ेंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज बेस्ट डिस्क्राइबिंग इन टर्म ऑफ द मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ऑर्बिटल पिक्चर को सबसे अच्छी तरीके से मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा समझा जा सकता है. मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? मॉडर्न मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यूजिंग क्वांटम मैकेनिज्म. बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है, जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं. ऑल 6 कार्बन एटम इज बेंजीन आर sp2 हाइब्रिड. सभी 6 कार्बन जो होते हैं वो सभी sp2 हाइब्रिड होते हैं. द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विच इच अदर एंड विद s ऑर्बिटल ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल. जब दोनों का ओवरलैप होता है तो ssp2 सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच. द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विच ईच अदर एंड विच s ऑर्बिटल ऑफ द 6 हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन पाई बॉन्ड. All sigma bond in benzene line in one plane and all bond angle are 120 degree. ये सब sigma bond एक ही plane में होते हैं और bond angle 120 degree होता है. Each carbon atom in benzene process an unhybrid p orbital containing one electron. The p orbital are perpendicular to the plane of sigma bond. सभी पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन होते हैं होते हैं. द लेटरल ओवरलैप ऑफ दोज पी ऑर्बिटल प्रोड्यूस अ पाइप मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन. छः जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो पाई ऑर्बिटल बनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं इन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इन सब ये सब जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. वन हाफ ऑफ दिस पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल लाई अबव एंड द अदर हाफ लाई बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड का जो प्लेन होता है उसके ऊपर आधा पाई मॉलिक्यूल बढ़ जाता है और आधा नीचे. ये पाई मॉलिक्यूल होते हैं उसका आधा हिस्सा ऊपर की ओर होता है और आधा हिस्सा नीचे की ओर. द 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल ओवर ऑल द 6 कार्बन एटम एंड आर सेट टू बी डीलोकलाइज्ड. बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं पूरे रिंग में, क्योंकि यह घूमते रहते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता. आम भाषा में बोलें तो एक आदमी का कोई लोकेशन नहीं होता कि वो उसका घर कहाँ पर है. कभी यहाँ रहता है तो कभी वहाँ, उसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं. डीलोकलाइजेशन यहाँ पर आया तो उसे समझाना ज़रूरी है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन बेंजीन में बहुत ज़रूरी. डीलोकलाइजेशन डबल बॉन्ड जो होते हैं वो हमेशा घूमते रहते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन इज फाउंड अ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड एंड अ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स. इसी डीलोकलाइजेशन के कारण जो है एक स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और स्टेबल. लेकिन हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है. इसी डीलोकलाइजेशन के कारण जो है वो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है. स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एंड थ्योरी में जो ऊपर जैसा पढ़े हैं हम लोग वैसा ही यहाँ है. ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन. ये स्ट्रक्चर आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं. दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत ईजी है समझने के बाद, कुछ नहीं है. ऑल सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन लाई इन वन प्लेन, ऑल बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री. ये भी ये स्ट्रक्चर वो हम लोग थ्योरी में जो पढ़े हैं वही स्ट्रक्चर है. यहाँ पर किस तरीके से ओवरलैप किए हुआ वो दिखाया जा रहा है. यहाँ पर तीन प्रकार से बेंजीन को डिस्क्राइब किया गया है.
एक्सपेंडेड फॉर्म कैलकुलेट स्ट्रक्चर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। एक्सपेंडेड फॉर्म में देख रहे हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन किस तरीके से सजे हुए हैं, और डबल बॉन्ड किस तरीके से, डबल बॉन्ड हमेशा बदलते रहते हैं, ये हमेशा बेंजीन में जो होते हैं वो डबल बॉन्ड हमेशा बदलते हैं। अनलोकलाइजेशन होता है इसमें, लोकलाइजेशन नहीं होता, कहाँ पर रहे वो कन्फर्म नहीं बताएगा। कैलकुलेट स्ट्रक्चर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी वही दिखाया गया है कि कभी भी बेंजीन में डबल बॉन्ड एक साथ नहीं होता है। नाउ इट्स कोड फॉर यू, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोगों को इससे यही पता चलता है कि कभी भी किसी की मेहनत बेकार नहीं होती, लेकिन कोशिश करना पड़ता है। कोशिश करने से पहले ही आदमी हार मान ले, ये सही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।